सेजल, इस वक्त की बड़ी खबर। पीलीभीत में गजरौला थाना क्षेत्र में पड़ने वाले माला जंगल में 35 वर्षीय सुखवीर सिंह अपने खेत की फसल देखकर साइकिल से घर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही घर वाले मौके पर पहुंचे और सुखवीर सिंह का शव उठाकर घर ले आए। इसके बाद पुलिस और वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। दोनों विभाग मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम आपको बताते चले कि इस साल बाघ हमले में यह 11वीं मौत है, फिर भी वन विभाग इस मुद्दे पर शांत है। पीलीभीत के उस बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में ये पिपरिया करम गांव पड़ता है, तो वहाँ के सुखवीर सिंह जो थे आज अपने खेत पे गए हुए थे सुबह, और उन्हें टाइगर ने और उन्हें अटैक किया उनके ऊपर और उनको जंगल में खींच ले गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पीलीभीत में अब तक 3 दर्जन के आसपास इन 3.5 सालों में टाइगर से ग्रामीणों की, किसानों की मौतें हुई हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे पीलीभीत जनपद का, जहां 16 अगस्त 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी पीलीभीत आते हैं और वो घोषणा कर जाते हैं कि पीलीभीत में अब कोई टाइगर से किसी की मौत नहीं होगी, किसी की कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी, हम सारे इंतजाम करेंगे, तार फेंसिंग के आदि सारे इंतजाम करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की 16 अगस्त 2017 की घोषणा के बाद भी आज तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए ना तो तार फेंसिंग उसकी कंप्लीट हो पाई, ना अन्य कोई बजट उसको मिल पाया, और तमाम सारी सुविधाओं के अभाव में आज टाइगर जंगली जानवर अन्य जंगल से बाहर निकल रहे हैं, जो हमारे किसानों को अपना निवाला बना रहे हैं, ग्रामीणों को निवाला बना रहे हैं, और किसानों की फसलें भी चौपट हो रही हैं, और जंगल जंगली जानवरों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ये लापरवाही है इस सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी कोई इंतजाम नहीं हुआ, तो इसके क्या कहा जाए। ये सरकार सिर्फ बातें करने में ये लोग आगे हैं, काम करने में कहीं पर ज़मीन पर ये दिखाई नहीं देते। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की रिकॉर्डेड घोषणा है 16 अगस्त 2017 की, उसके अनुसार अब तक कुछ नहीं हो पाया, तो अब तो लास्ट समय इनका अब क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर ऐसी दुर्घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, और मैं मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा मिले और जंगल की तार फेंसिंग आदि व्यवस्थाएं जल्द से जल्द कंप्लीट हो, जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान ना हो और जंगली जानवरों से जनहानि भी ना हो और जंगल भी बचाए जा सके।